Thank you, ma'am. Wait. देखिए मैम yes. लुक चेन पोज यस लुक यार लुक सेंड या यस थोड़ा सा कैमरा पीछे ले सर वेट धन्यवाद मैम बाकी लोग मैम राइट में देखना राइट में शानदार बना हुआ है और हमें बहुत उम्मीद है कि बहुत ऊपर जाएगी ये फिल्म। फिल्म के एक्टर के बारे में मैं जानना चाहूँगा, एक्टर और एक्ट्रेस काफ़ी रोमांटिक लग रहे थे, आपको कितना पसंद आया? एक्टर्स दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। दो इनकी फर्स्ट फिल्म है, मौसम की तो सेकेंड फिल्म है लेकिन स्वाति जी की फर्स्ट फिल्म है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अमृता का भी और राहुल का भी बहुत अच्छा काम है। सर आप कुछ बताना चाहेंगे, फिल्म को कितना मुश्किल होता है बनाना? देखो फिल्म बनाना सोच के ही अपने आप में ही रहता है कि शुरुआत जो हम करते हैं सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं, वह कहाँ किस तरह से कैसे कैसे काम होगा ये तो बनाने नीम जमाते, उसके बाद में फिर तो बहुत ही लास्ट तक पहुँचते पहुँचते हमें पता रहता है हम कैसे कैसे करके मूवी पूरे करते हैं, तो वही सारी चीज़ होती है। और फिल्म का नाम रखना है ओबामा लव ओसामा, तो ये ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति और ओसामा एक आतंकवादी, तो ये क्या ख्याल कहाँ से है कि दोनों जन को एक ये डायरेक्टर साहब बताएंगे डायरेक्टर क्या करना चाहिए इसके बारे में, ये नाम कहाँ से ख्याल आया? देखिए बेसिकली क्या है कि हमारा जो करेक्टर हैं दोनों उनके सरनेम है आपको नहीं लगता इसके नाम में कुछ कंट्रोवर्सी होगी? नहीं कंट्रोवर्सी वाली इसी बात कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन आपने ये जो आपने नाम रखा और पिक्चर पूरे रोमांटिक सीन है जी कहीं मिलता जुलता नजर नहीं आ रहा, तो क्या सोच के आपने रखा था इस फिल्म का नाम मैंने ओबामा लव ओसामा? नहीं देखिए मेरे इसमें क्रिश्चियन हीरोइन है और जो मुस्लिम इसमें हीरो है, तो उनको मैंने दोनों को मिक्स किया है। ओके फिल्म के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह काफ़ी रोमांस दिख रहा है, कॉमेडी भी दिख रही है और काफ़ी दिग्गज कलाकार भी है फिल्म के अंदर जी, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए, कास्टिंग के बारे में कुछ बताना? देखिए फिल्म के अंदर रोमांस भी है, कॉमेडी भी है और एक्शन भी है, तीनों चीज़ों को हमने डाला इसके अंदर। तो पहले से स्टार कास्ट डिसाइड सिलेक्ट हो चुके थे, मतलब इनको ही लेना है और किसी को? हाँ इनको ये डिसाइड किया। असल में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल पर तो गाड़ी सदियों से चलाते आ रहे हैं लोग, आदमी हर कोई आज चाहेगा हम बैटरी पर चलाएं, हर आदमी चेंज चाहता है, तो ऐसे ही कास्ट में मैंने भी ऐसे किया है, कुछ चेंज किया मैंने भी। आइटम सॉन्ग काफी धमाकेदार लगा,
जी तो आइटम सॉन्ग के आइटम भी जाता जाएगा। जो एक्ट्रेस भी है हीरा पांचाल भी है, काफी धमाकेदार लग रही है, उनको कुछ बताना चाहिए, उनको कब चुना आपने? उनको असल में क्या है कि मेरी पहली फिल्म आई थी हम है तीन खराबाती, उसमें भी उन्होंने आइटम सॉन्ग किया था और इसमें भी इन्होंने आइटम सॉन्ग, तो हमारी एक ट्यूनिंग है कि इसमें एक नहीं इन्होंने दो गाने किए हैं, एक पार्टी सॉन्ग भी इन्होंने किया है प्लस ये आइटम सॉन्ग भी इन्होंने किया, दो गाने किए इसमें। ओके, कब तक रिलीज करने का प्लानिंग है कुछ बताना चाहिए? 20 जुलाई को उसको रिलीज कर रहे हैं हम लोग। शूटिंग हमने देखा जैसे गानों में आगरा का सीन दिखाया जा रहा है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आगरा में शूट करने का उत्तर प्रदेश के बारे में? बहुत बेसिकली हम उत्तर प्रदेश से ही हैं भी, इसको मैंने एक नहीं उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में शूट किया है, आपके जी ग्रेटर नोएडा में शूट किया है, नोएडा में शूट किया है, इसको सोनीपत में शूट किया है, लवासा में शूट किया है, आगरा में शूट किया है। इसके अलावा फिल्म का प्रमोशन किस तरह से करने वाले हैं? आज तो फिल्म का ट्रेलर लॉन्च है, प्रमोशन कहाँ-कहाँ करने वाले हैं? ऑल इंडिया लेवल पर करेंगे, जो हिंदी बेल्ट है वहाँ सब जगह हमारी टीम जाएगी प्रमोशन के लिए। ये स्टोरी भी बहुत अच्छी थी लगी थी, और हम सुधीश जी के साथ हम कई सालों से जुड़े हुए हैं और हमारी ट्यूनिंग अच्छी है। भाटी जी के साथ भी मुलाकात हुई, ये भी मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे, तो मुझे लगा कि हमें एक टीम बना के काम करना चाहिए, इसीलिए मैंने इस प्रोजेक्ट में काम करने का सोचा, क्योंकि फिल्म का नाम ही एकदम कैचिंग है, फिल्म के नाम से ही लगता है कि फिल्म कि क्या होगा इसके अंदर, लोगों को सस्पेंस लगता है, लेकिन जब देखेंगे फिल्म तो इसमें कॉमेडी भी है और रोमांस भी है और एक्शन भी है। लेकिन दर्शक जी इसके बारे में सोच के आएंगे जी, उसमें आपका नजर आएगा कहीं? ये देखिए ओबा ओसामा का मतलब एक मैं आपको बताऊँ, ये कहानी बेसिकली क्या है कि मेरे एक राइटर हैं वहाँ से उत्तराखंड से रेवा बेस्ट, तो मैं जब ये कहानी सुनाई थी शुरू में, कहानी मुझे सुनाई थी इन्होंने, तो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने दोनों का हिंदू मुस्लिम दोनों का इन्होंने मिक्स किया है, तो जो उन दोनों को ओबा ओसामा का मतलब ये नहीं है कि खाली दोनों के बारे में आप बात करेंगे जो, लेकिन पब्लिसिटी तो इतनी हो चुकी है ना इन दोनों की। जी 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 हाँ जी हाँ जी, दर्शक तो माइंड में वो सोच के आएंगे, अगर वो नहीं मिला उनको तो नहीं, हम आपको डीजे ट्रेलर सब डालने हैं उसमें, कहीं हमने उनका चेहरा ऐसा नहीं दिखाया नहीं। जी जी ये कॉन्सेप्ट आपका कैसे आया और कहाँ से आया? देखिए गाने का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं हम, ये गाना मैंने अब से करीबन एक साल पहले मेरे पास लिरिक्स आए थे इसके लिखने के लिए, उसके बाद अपने किरदार के बारे में फिल्म के बारे में मैडम आपसे शुरू करते हैं। जी पहले अपना इंट्रोडक्शन दें। हाय मैं हीना पंचाल और व्हेन ओबामा लव्ड ओसामा मेरा कैरेक्टर है एक परफॉर्मर का एंड मैंने इसमें स्पेशल अपीयरेंस गाना किया है। मैडम मेरा नाम अमृता आचार्य है और मैं ओबामा लव्ड ओसामा में मैंने शाहीन का रोल किया है। हाय माय नेम इज़ मौसम शर्मा और मैंने इसमें अमन ओसामा का करेक्टर किया है जो कि इस मूवी का मेन किरदार है, तो और ये किरदार कुछ ऐसा है कि इसको नाना पाटेकर की मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है बचपन से ही, तो होता क्या है कि मूवीज़ देखते देखते कि वो जब भी इमोशनली हर्ट होता है तो उसमें नाना पाटेकर की आत्मा आ जाती है और वहीं से ही जो कॉमिक चीज़ें हैं वो क्रिएट होती हैं, सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। मेरा मुस्लिम लड़की का कैरेक्टर है जिसको क्रिश्चियन लड़के से प्यार हो जाता है, तो वही स्टोरी हम लोग की दिखाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, बस आपने अभी ट्रेलर देखा, रिएक्शन क्या था आपका? मैं बहुत खुश हूँ उसको देख के, अभी मुझे बस उसकी रिलीजिंग का वेट है और हम लोग प्रमोशन के लिए भी जाने वाले हैं शायद दिल्ली, तो उसका भी वेट है। और रिस्पांस की बात करें तो कैसा रहा पब्लिक का रिस्पांस ट्रेलर देख के? लोग फिल्म के नाम से ही दो बार पूछते हैं क्या नाम है क्या नाम, हम लोग को फिल्म नाम ही बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग नेम है तो वही बहुत अच्छी बात है, तो नाम ही इंटरेस्टिंग है तो फिल्म तो और ज़्यादा। आपने तो धमाल मचा दिया है, फ्यूचर
धमाल मचा दिया है, ताकि आप लोगों ने अभी मेरा गाना देखा, दो गाने बकायदा मैंने इस मूवी में किए हैं, एक पार्टी सॉन्ग है और एक और पार्टी सॉन्ग है जो बट एक आइटम की तरह पेश किया गया है आपके सामने, उसमें मेरा मूव्स वगैरह ये सभी लोगों को पता है कि आई हैव डन लॉट ऑफ आइटम नंबर्स, बट हिंदी में ये बहुत हाइप होगा बिकॉज द मूवी का जो नाम है व्हेन ओबामा लव्ड ओसामा वो इतना हाइप हो चुका है बिकॉज इट्स अ समथिंग रिलेटेड, इट्स वेरी नाइस टू स्पीक एंड हियर अबाउट इट, सो आई एम श्योर दैट पीपल विल बी मोर एक्साइटेड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी एंड दिस सॉन्ग बिकॉज ये मेरी हिंदी की फर्स्ट सेकेंड मूवी होगी, फर्स्ट जो इतनी खास नहीं थी बट दिस इज गोना बी अ फुल फ्लेश्ड वन, सो आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट इट. अब सारे एक्सपेक्टेशन इसी फिल्म से हैं, अब इसके बाद जो होगा वो नेक्स्ट, मतलब बॉलीवुड में इसी से ही एंट्री है तो बहुत सारी है. देखिए बहुत कम बात कर रहे हैं, क्या बात है? आप बताइए, आप बताइए, आपने कितनी आशाएं हैं इस फिल्म से? आप बहुत ज़्यादा होप्स हैं सर कि सेकंड फिल्म है और मेन एज अ मेन लीड है तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है इन कंधों पर और बहुत मेहनत लगती है सर एक फिल्म बनाने में, तो हमने अपनी पूरी जी जान लगा दी है, पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो बस यही चाहते हैं कि दुआ करते हैं कि फिल्म बहुत अच्छा करे. और जैसे सबने बोला कि व्हेन ओबामा लव्ड ओसामा इससे कॉमेडी फिल्म, और आजकल कॉमेडी फिल्में बहुत ज़्यादा कम आ रही हैं, बहुत बहुत कम आ रही हैं. जी लोगों की आंखें देखो कि सांसें भी कम में थी आपको देखते. इसके अलावा और क्या कर रही हैं आप? अब मैं नेक्स्ट मूवी कर रही हूँ जो कि मैं ऑलरेडी साइन कर चुकी हूँ और हमने मुहूर्त भी उसका किया है अलीगढ़ में, सो इट इज़ बेस्ड ऑन अपराजिता करके मूवी का, द टाइटल इज अपराजिता एंड आई एम प्लेइंग द मेन लीड इन दैट मूवी, सो वेरी सून आई विल बी ऑन फ्लोर एंड उसको अपडेट्स आपको मैं बातें दूंगी नेक्स्ट टाइम जब हम मुहूर्त पे और शूटिंग पे मिलेंगे. ओबामा एक्चुअली मेरा नाम अमन ओसामा है और जिससे मेरे को मोहब्बत होती है उनका नाम है मैगी ओबामा, तो मैं मुस्लिम हूँ और वो क्रिश्चियन है, तो मेन मैसेज मूवी में यही है कि मोहब्बत में कोई जात धर्म कुछ नहीं होता है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसी वजह से आती है कि यार लड़का मुस्लिम है और इसका सरनेम ओसामा है, तो पहले तो जब मेरी इनसे डैड से मुलाकात होती है तो वो पूछते हैं कि आपका सरनेम क्या है, नाम ही बताने में हिचकिचा रहा होता हूँ मैं कि यार अगर मैंने नाम बता दिया मेरा नाम अमन ओसामा है तो वो क्या रिएक्ट करेंगे, लड़की तो हाथ से जाएगी जाएगी, मार भी पड़ेगी. सो बहुत ज़्यादा सिचुएशनल कॉमेडी है कि कैसे छोटी छोटी जो सिचुएशंस मूवीज़ में आती हैं कि सिर्फ नाम की वजह से, तो प्यार करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं? अरे सर बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, पहले तो मेरा शहर छूट गया और दूसरा कि मेरा एक मेरे जो मूवी में मेरा करेक्टर है वो है शायर का, इंस्टेंट शायरी कि कोई भी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आती है तो मैं वैसे चुटकियों में शायरी बना देता हूँ. जैसे अभी ट्रेलर में देखा, जो ट्रेलर शुरुआत होती है ट्रेलर की कि शाहजहाँ के इस शहर में मोहब्बत करने को तरसता है आज का यूथ, तेरे भाई ने एक जगह खोली है जिसे कहते हैं किसिंग बूथ, तो मैं इस मूवी में किसिंग बूथ चला रहा हूँ, तो अब सोचो कि एक लड़का किसिंग बूथ चला रहा है और पापड़ तो कितने बेलने पड़ेंगे, उसे मनाना पड़ेगा कि मैं नहीं करता हूँ, लोगों के लिए कर रहा हूँ, पेट पालने के लिए. हाँ ऑन स्क्रीन किस वॉज लाइक नॉट दैट कम्फर्टेबल बट या थोड़ा आप वापस पूछिए. नहीं, ऑब्वियसली हमारे कोरियोग्राफर थे खुशल जी, खुशल दिगिन, जिन्होंने मेरा ये फोर्थ गाना कोरियोग्राफ किया है ओवरऑल इंडस्ट्रीज में, सो he is one of the best choreographer or and I because we have been a good relation as a friends and all, so mera tuning as a choreography bahut acche se baith chuka tha, itna time nahi laga hame moves pick up karne mein ya kuch bhi karne ke, so it I give all my credit of my dancing is to Khushal. Film ke gaane mein dekha aapne ladke ke piche mein
जरूरी है वो बताना, सारे सवाल अभी वही तो है, मेरा कैरेक्टर मैं नहीं रिवील कर सकती, वो आपको जाकर देखना ही पड़ेगा। Thank you and I would wish that please guys go and watch When Obama Loved Osama and please give your lots of blessings. Family के साथ जाइए और देखिए, because it's a family movie family and movie. People will love watching और it. और बहुत प्यारी कॉमेडी है, आपको बहुत मजा आएगा देखते हुए। अच्छा, okay, मेरी गुजारिश start. My wishes like please आप सभी लोग जाइए थिएटर में When Obama Loved Osama देखने के लिए, because इसमें बहुत twist and turns है और बहुत comedy है, love scenes भी है, तो और special मेरा performance भी है, so excitement नहीं था जो पहला था, अभी वापस है, okay, बढ़िया सा excitement, चलिए once more retake प्लीज़ आप सभी लोग When Obama Loved Osama देखने जाइए, बिकॉज एंड प्लीज़ आपके ब्लेसिंग शावर्स इज वे इम्पॉर्टेंट फॉर दिस मूवी, सो आई वुड वॉन्ट यू टू गो। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ट्विस्ट, लव, रोमांस, कॉमेडी सब मिक्स है एंड स्पेशल परफॉर्मेंस बाय मी, एक्शन भी है, या एक्शन भी, और मैंने भी एक्शन किया, तो मेरी कॉमेडी और जो मेरी चीजें अंदर वो जानने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा, सो प्लीज 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 20 जुलाई को रिलीज हो रही है। अरे वाह, क्या बात है, चलो इन्होंने बोल दिया, मैंने बुलाया स्वाति आ जाए, बिल्कुल शुरू करें, ठीक है, ग्लैमर के साथ बाद में, कल आ जाओ 1 बजे आओ, हाँ यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं तो एक्चुअली सबसे पहले तो आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर, क्योंकि ईमानदारी से बहुत मेहनत की है सभी लोगों ने, बहुत ही निहायती गर्मी में शूट किया है हमने, एक जो होती है यूपी में आपको मालूम कितनी गर्मी पड़ती है, और हमारे सेट पे मतलब डायरेक्टर से लेकर एक स्पॉट बॉय तक, इवन एवरी एक्टर, सभी लोगों का जो इसमें योगदान है वो काफ़ी मतलब एक ओवर द टॉप है, मतलब हर कोई काम कर रहा था वहाँ पर, मतलब एक पॉइंट ऑफ द टाइम मैंने और मौसम ने हमने सिक्योरिटी गार्ड भी बने थे, तो हमने सारे काम किए हैं फिल्म में, स्क्रिप्ट में भी बहुत योगदान दिया है, हाँ, भाई बहुत अच्छे हैं इम्प्रोवाइजेशन में, हमने बैठ बैठ के सीन्स को और बेहतर किया है और अच्छा करने की कोशिश की है कि जितनी ज़्यादा ह्यूमर रहेगा मूवी में उतनी ज़्यादा हंसी आएंगी, और सिचुएशंस हैं मूवी के अंदर छोटी छोटी सिचुएशन कॉमेडी है, मतलब हम लोगों ने अपनी तरफ से इतनी मेहनत करी है कि जैसे हम लोग आमतौर पे अपनी लाइफ में कन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें जो सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है वो हमने इन्वॉल्व करी है। देख क्या होता है, कभी एक लिखावट होती है फिल्म की, वो बहुत अच्छी थी, एक स्टोरी जब मैंने पहली बार वन लाइन सुनी थी फिल्म की, When Obama Loved Osama, एक लड़का है, एक ऐसे ऐसे पूरी कहानी जब सुनी थी तो मुझे बड़ी एक्साइटिंग लगी थी, जब हम लोग जुड़े फिल्म में तो जब सीन हमारे सामने आए तो हमने कहा इसमें और ऐड कर सकते हैं, क्या होता है एक हलवाई क्या होता है जब अच्छी चीज़ बनाता है ना उसे लगता है कि इसमें ये और ऐड कर दूँ, किशमिश और ऐड कर दूँ और अच्छा हो जाएगा, ये ऐड कर दूँ और अच्छा हो जाएगा, तो एक अच्छी चीज़ में हर एक इंसान और अच्छा योगदान दे सकता है, तो कुछ ऑलरेडी चीज़ अच्छी थी फिर उसमें हमने मिर्च मसाले ऐड किए, इनके कैरेक्टर, और सबसे बड़ी बात है कि फिल्म के कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मौसम का जो कैरेक्टर है वो अपने आप में एक निकल के आएगा, वो एक अलग किरदार है, जो गुस्सा हो जाता है तो नाना पाटेकर बन जाता है, भाई का कुछ ना कुछ फिल्म में खड़ा ही रहता है, कभी हाथ खड़ा है कभी पैर खड़ा है, है मतलब समझ रहे हो, असल में करने सही जाते हैं ये लोग और हो गलत जाता है इनके साथ, और मूवी में एक ऐसा पार्ट है कि जो अभी तक शायद ट्रेलर में एक छोटा सा क्लिप था डॉक्टर साहब का जो मैं रिवील नहीं करूंगा यहाँ पे, लेकिन वो एक ऐसा करेक्टर है जो कि पूरी मूवी का टर्निंग पॉइंट है सबसे ज्यादा। मोहित भाई इसमें एक बूथ प्रमुख, क्या बूथ चला था, किसिंग बूथ अभी बूथ पर आप गए थे और कैसा रहा? मैं बड़ा सुनो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था किसिंग बूथ का, वैसे आज तक मैंने कभी किसिंग बूथ यूज किया नहीं है, इंडिया में है ही नहीं पहली बार, अभी देखो हमारी फिल्म हमने कब शूट की थी और अभी किसिंग बूथ करके नेटफ्लिक्स पे ही फिल्म आई है, कितनी अच्छी सोच है कि एक तो देखो यूपी में वो आ गई एंटी रोमियो स्क्वाड,
मोहब्बत कम हो रही है, समझ नहीं रहे हो आप। हमने मोहब्बत की एक जगह घोषित कर दी, भैया एक किसिंग बूथ है, यहाँ पे जाओ अपना जो है जिसका इतना स्टेमिना उस हिसाब से काम कर लो। किसिंग की बात कर रहा हूँ, किसिंग बूथ नाम टाइटल पर रहना है। कहना कि उसमें क्या है कि आपको छुप छुप के झाड़ियों के पीछे या फिर आप कहीं भी देखोगे यूपी में या मुंबई में भी देख लोगे आपको कपल्स दिखाई देंगे। हमने सोचा कि क्यों ना इनको एक प्रॉपर जगह दी जाए। मतलब कहने का मतलब है सब चीजें होनी चाहिए लेकिन तरीके से, तरीके से हर चीज। हमने मॉल में प्रॉपर सेटअप किया है किसिंग बूथ का, तो कोई भी आए अपना एनरोलमेंट कराए, बाहर नाम लिखवाए प्रॉपर तरीके से, अंदर जाए यूटिलाइज करे उसको, बाहर आके अपना संतुष्टि से घर जाए। घंटे के हिसाब से पैसे, घंटा एक्चुअली किसिंग बूथ घंटा नहीं 30 सेकंड्स स्टेमिना नहीं, ये एक्चुअली किसिंग बूथ का था। घंटे का टाइम तो हम देंगे ही नहीं, बहुत कुछ हो जाएगा, वो सिर्फ किसिंग बूथ है और कुछ नहीं है। जगह भी हमने इतनी रखी है ना, टू बी नोटेड कि किसिंग बूथ ही है वो। नया एम्प्लॉयमेंट हमने एक मतलब दिया है कि आजकल मोदी साहब ने मतलब बहुत ही ज्यादा बिजनेस ठप हो रहे हैं, तो एक नया एक आइडिया है। और मैं यकीन मान लो अगर सच में ऐसा कोई किसिंग बूथ खुल जाए तो जितना जितना ये आईफोन के लिए लाइन लगती है ना सुबह, जियो की फ्री सिम बटने की लाइन लगती है, उससे ज्यादा लाइन लगेगी, गारंटी दे रहा हूँ। देखो किसिंग 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 पे क्या है, मैं किसिंग पे मैं ऑलमोस्ट एक प्रवचन दे सकता हूँ। तो किसिंग पे तो जितनी बात की जाए उतनी कम है। कैसे सवाल है यार ये मेरी लात बहुत भारी है बेचारा। देखो ये मैं बेड की बात है बाहर नहीं बताता, ऐसा होता है। मेरे को सोने की आदत क्या है, मैं 8-10 तकिए चाहिए होते हैं जब अकेले सोता हूँ। तकिए पिलोज चाहिए होते हैं, तो आप क्या है कि एक सेटल हो जाते हो, हिलना हिलना डुलना कम होता है, तो ऐसा कभी वो तो हुआ नहीं यार वैसा एक्सपीरियंस तो कभी। मैं लड़कियों से आजकल बहुत भाग रहा हूँ भाई, मेरा थोड़ा सा चल रहा है हिसाब किताब, भागना थोड़ा चल रहा है, लेकिन फिल्म के अंदर वो एक थोड़ा एक सस्पेंस भी है, सस्पेंस है वो अगर आप बता देंगे तो थोड़ा सा आई थिंक है ना। हाँ वो सस्पेंस है। देखा जा रहा था कि एक गाने जब आइटम सॉन्ग चल रही थी उस समय आप काफी कुछ आपकी आंखें चौड़ी हो गई थी। देखो ऐसे दृश्य देख के ना आंखें चौड़ी हो ही जाती है लोगों की, और मैं मतलब मैं फिल्म में देख रहा था, मैं आपको भी देख रहा था, आप जब गाना देख रहे आपकी भी चौड़ी हो रही थी। हिना को हमने फिल्म में लिया ही है इसलिए। एक्चुअली क्या है ना, आगरा के अंदर आगरा में ऐसे आइटम सॉन्ग्स नहीं होते हैं, ऐसे डांसर्स नहीं आती हैं, तो ये आइटम जो डांसर है ये स्पेशल बॉम्बे से आगरा में आई थी। तो अब आप सोचो बॉम्बे को ग्लैमर हम यूपी में लेके गए थे, आगरा के लौंडे नहीं नहीं मैं मेथड एक्टर हूँ, इतनी मेथड एक्टिंग नहीं करता कि सेट पे मैं शराब वराब पीता भी नहीं हूँ। भाई क्या कर रहे हो तुम, क्या चाह रहे हो, शराब वराब अच्छी चीज है कोई है, पीनी भी नहीं चाहिए जी। 10 का दम, हाँ 10 का दम चल रहा है, सलमान भाई करते रहे अच्छा करने तो उनको यार, मैं क्या करूँगा करके, उनका चल रहा है अच्छा यार, किसी का काम क्यों छीनना, उनका बढ़िया चल रहा है, किसी की दाल रोटी चल रही क्या प्रॉब्लम है सलमान भाई सॉरी। यार मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेरा रेस्टोरेंट कल ओपन हो रहा है लेकिन प्लास्टिक बैन हो गया, लेकिन अच्छी चीज़ है, हम भी चाह रहे थे यार कि कुछ ऐसा कोई उपाय निकाला जाए कि प्लास्टिक में हम सर्व ना करें जो होम डिलीवरीज वगैरह होती है। तो अभी एक और अच्छा एक ऑप्शन आ रहा है यार, हम लोग तो खैर चलो बहुत बड़े बड़े लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट काफ़ी टाइम चला रहे हैं, मैंने तो जस्ट स्टार्ट किया है, एक वो बहुत तरीका हर चीज़ का ना एक तरीका होता है, जब एक चीज़ ख़त्म होती है दूसरी चीज़ आ जाती है, तो अगर ये बैन हो रहा है दूसरी भी चीज़ आ रही है, फॉइल पेपर और उस तरह की कुछ एक है, उसमें टाइम ज़्यादा है मेहनत ज़्यादा है, प्लास्टिक का इजी है और वो ड्यूरेबल है इसलिए यूज़ किया जाता है, वो यूज एंड थ्रो है, तो लेकिन करेंगे उस तरह लेकिन अभी 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा, 2-3 दिन में वो आ रहा है, एक 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा प्लास्टिक को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार बंद हो ही जाए अच्छा है प्लास्टिक वास्टिक, क्योंकि ये फिर ये जानवर वगैरह वो खाते हैं वो उनकी मौत और ये वो सारी चीज़ें बैन हो जाए तो अच्छा है।
खराब चीज सारी बैन हो जाए मैं। थैंक यू, कल मिलते हैं, कल आओ। अरे मेन नहीं मौसम थैंक यू सो मच, हमारी केमिस्ट्री निकल के आई है, दैट मीन्स अ लॉट टू अस। बाकी हम लोग को काम करने में बहुत मज़ा आया, आई वुड से कि यही ऑन स्क्रीन भी दिख रहा है। हमने बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड किया मूवी में, मूवी से पहले हम होटल में हमने बहुत सारी बातचीत की, क्योंकि होता है ना कि बहुत कम टाइम मिलता है आपको शूट के वक्त, तो बहुत, और पहले दिन से ही इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी कि वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। We were like buddies, एक friends नहीं होते हैं। We were shooting like that कि shoot हुआ, अच्छा हाँ हाँ ठीक है discuss कर ले, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, हाँ चलो ready। तो our director was like he never actually kept a foundation for us। हमें जैसे करना है scene हम कर देते थे, उसके बाद वो बोलते थे अच्छा ये change कर लो। तो it was we were pretty comfortable with each other। वो बहुत अच्छी बात थी हमारे director साहब की, thanks to them कि उन्होंने हमें खुला छोड़ा हुआ था कि जो naturally chemistry निकल के आती है ना वो एक कहने पे करने के नहीं आती। राइट राइट, दैट्स सो दैट वाज ग्रेट। लवासा में गाना फिल्माया गया था जी। राइट राइट, इट वाज अमेजिंग। वो गाना एक रोमांटिक सॉन्ग है जो हम दोनों के ऊपर फिल्माया गया है। लवासा ऑफ कोर्स अपने आप में इतना सुंदर है, और लवासा की वजह से हमारा गाना इतना सुंदर निकल के आया है। तो आई थिंक यू गाइस शुड डेफिनेटली वेट फॉर दैट सॉन्ग टू लॉन्च। सो या इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। मेरी एक्साइटमेंट तो आपको दिखी रही होगी अभी। तो हाँ, मैं अपने किरदार को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। मैगी ओबामा आई एम प्लेइंग, हु इज़ द लीड ऑफ दिस मूवी अपोजिट अमन ओसामा। एंड ये दोनों को प्यार हो जाता है, और उसके बाद कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं इस मूवी में। एक्शन भी है, एंड फॉर अ चेंज गर्ल्स ने एक्शन किया है। लाइक मैंने एक्चुअली अच्छे अच्छे मुस्टंडों को मारा है, तो मुझे बहुत मज़ा आया वो करने में। सो इट वॉज फन। इतना प्यारा बच्चा देखो, खूबसूरत सा। ऑन स्क्रीन हुआ, ऑफ स्क्रीन एक्चुअली ना आई वाज कमिटेड जब मूवी चल रही थी। ही वाज एक्चुअली या बैड लक ऑफ मी कि मैं कमिटेड था उस वक्त, और अब मेरा ब्रेकअप हो चुका है। सो यू कैन थिंक ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल्म में आपके डैड एक पॉलिटिशियन का कैरेक्टर है, राइट? कहते हैं कि अगर मैं इलेक्शन जीता हूं तो आप दोनों की शादी कर दूंगा, तो ये शादी होगी आपकी? देखो अब अगर मैं आपको ये बता दूंगी हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, आप मूवी देखने क्यों जाओगे? ये कहना शादी दिखाने के लिए सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा, राइट? वेन ओबामा लव्ड ओसामा पार्ट 2 रिटर्न्स। नहीं, आपको पार्ट 1 में ही पता चल जाएगा कि हमारी शादी हुई कि नहीं हुई। अरे सर, ये सवाल आपने गलत पूछ लिया। एंड एक्चुअली कितनी लड़ाइयां हुई हैं पता है आपको हमारे बीच में इस किसिंग बूथ की वजह से? बिकॉज़ किसिंग बूथ जैसी चीज कौन चलाता है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। क्या प्रॉब्लम क्या है किसिंग बूथ में? इसका कैरेक्टर क्या प्रॉब्लम क्या है? ऑफ कोर्स यू आर अ गाय, यू विल लाइक इट। अरे आई एम द ओनर ऑफ इट, आई एम नॉट डूइंग इट बाबा। हाँ, तो ये किसिंग बूथ जैसा इनका काम है, इनका बिजनेस है, जो ये लोगों को लेके आते हैं और किसिंग बूथ खोला हुआ है उसका पैसा चार्ज करते हैं। तो ऑफ कोर्स मैगी ओबामा को ये लगता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड कैसा काम करता है। तो मेरा रिएक्शन तो ऐसा होगा कि ये क्या कर रहे हो तुम। बुकिंग बुकिंग होगी अगले हफ्ते की टाइमिंग। ओ गॉड, सीरियसली आई गेस कि एक्चुअली ये इंडिया में अभी तक नहीं है, और हाँ होना चाहिए ऐसा कुछ, और लीगली होना चाहिए। अच्छी यू कैन किस एनीवेयर, व्हाई वुड यू वांट अ किसिंग बूथ? नो यू कांट, देयर सो अलाउड नहीं है आउटसाइड किस करना। ऐसा है क्या, अलाउड नहीं है? आप बताइए, नहीं है ना? नहीं है, इल्लीगल है, इंडिया में इल्लीगल। किस नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। हाँ, झगड़ा कर सकते? किस नहीं कर सकते? ये कहाँ का लॉ हुआ? करने वाले करते हैं लेकिन अलाउड नहीं है इंडिया में। लेकिन वो जो किसिंग बूथ, सर किसिंग बूथ भी हम खुले में नहीं करवा रहे हैं। क्या खूबसूरती देखी है आपने, मर्यादा होती है।
नहीं, मर्यादा होती है सर, लेकिन आपको नहीं लगता झगड़ा करने में भी एक मर्यादा होनी चाहिए? वो तो उसमें तो लोग सड़क पे आ जाते हैं, वो तो सब आ रहे, तुम माँ हो ये वो, तो एक झगड़े में भी मर्यादा होनी चाहिए। और हम सबको बोलना चाहेंगे कि हमारी मूवी प्लीज जाइए, 28 जुलाई को रिलीज हो रही है। अरे सर और हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सब जाइए मूवी देखिए, अपनी फैमिली के साथ जाइए 20th of July, लॉक द डेट, वेन ओबामा लव्ड ओसामा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मेहनत की हमने, सो प्लीज गाइस, प्लीज गो टू द थिएटर्स, वॉच अस, एंड उससे पहले इस ट्रेलर को प्लीज वायरल कर दो, शेयर कर दो हर जगह प्लीज, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन ओवर हियर, एंड इट वाज अ वेरी गुड कन्वर्सेशन विद यू गाइस।